गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे हैं। एंड आज है मेरा डे ऑफ और आज मेरे पास कुछ नहीं है करने को। आई हैव नो प्लान्स। सो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दैट हाउ माई नॉर्मल डे ऑफ लुक लाइक। सो लेट्स सी, आज अगर कोई प्लान होता है तो। सो मैं अभी उठी हूँ एंड अभी मैं जाके ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। एज यू कैन सी आई एम ऑल फ्रेशन अप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मेकिंग सम ब्रेकफास्ट। सो कुछ खाने को बनाते हैं एंड लेट्स सी आगे क्या होगा। आई डोंट नो, एज आई सेड आई हैव नो प्लान्स फॉर टुडे। सो येप, और यहाँ पे बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। इट्स लाइक सुपर हॉट। सो या कुछ खाने को बनाते हैं साथ में। समथिंग 3, 2, 1 ड्रिंक, कुछ ठंडा बनाते हैं टू ड्रिंक बिकॉज इट्स सो सुपर हॉट राइट नाउ, लाइक सुपर हॉट। Yeah, let's go. So after having a glass of water, मैंने सोचा थोड़ी साइकिलिंग करके आते हैं। So अब मैं जा रही हूँ साइकिलिंग करने। So yep. So I am all set. अब मैं जा रही हूँ साइकिल चलाने और बहुत बहुत धूप है। So I need a cap. और यहाँ मेरी साइकिल भी तैयार है और मौसम भी तैयार है। सो चलते हैं साइकिल चलाने। Yeah, let's go. साइकिल चलाते वक्त शूट करना ना बहुत मुश्किल है। सो मुझे रुक रुक के आप लोग को दिखाना पड़ रहा है कि आज का मौसम कैसा है और बाहर के नज़ारे कैसे हैं। सो यस, सुन क्या चिंगार। अभी हम जिंदा हैं। सो साइकिल चलाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, पर मेरे को भी नाश्ता बनाना है अपने लिए। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि दीदी आपकी जैकेट तो फटी हुई है, पर ये जैकेट फटी नहीं, ये फैशन है, फैशन आपको बाद में दिखाऊंगी। आज नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। और सबसे पहले इन आलू को काट लेते हैं फटाफट। और अब बारी है हमारी इन बीन्स की। सो अब मैं इन बीन्स को फटाफट काट लेती हूँ। सो बहुत देर तक चॉपिंग बोर्ड पे स्ट्रगल करने के बाद मैंने सोचा अपना देसी तरीका ही अच्छा है बीन्स काटने के लिए। सो अब मैं अपने देसी तरीके से बीन्स काट रही हूँ। तो ये गोभी बिचारिया के लिए फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ये ख़राब हो इसे इस्तेमाल कर लूँ। सो मैंने ये गोभी भी काट के डाल दी इसमें। सो सबसे पहले मैं अपनी सब्जियों को ब्लांच कर रही हूँ क्योंकि ये पकते में बहुत टाइम लगाती है, तो इसलिए। और मुझे भूख लगी है, तो जितनी जल्दी बने उतना ही अच्छा है। सो मैं इनको थोड़ी देर उबलने दूँगी। जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तो मैं इन्हें पानी में से निकाल लूँगी और छान लूँगी और फिर इसे छौंक दूँगी। सो अब बारी आती है मेरी प्याज की। सो मैं इस बड़े से प्याज में से सिर्फ आधी प्याज को इस्तेमाल करूँगी और इसे बड़े बड़े क्यूब्स में काट दूँगी। आपको जैसा मन करे वैसे काट दो इस प्याज को, क्योंकि ये आपकी सब्ज़ी है, कुछ जैसा चाहिए वैसा करो।
प्याज काटने के बाद अब बारी आती है लहसुन की, और मेरे पास गिन के 2 कलियां हैं लहसुन की, सिर्फ 2, तो मैं इनको छील के इन्हें बड़ा बड़ा काट दूंगी। लहसुन के बाद मैंने लिया है एक हरी मिर्च, और ये वाली हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है, तो मैं आधी ही इस्तेमाल करूँगी। मेरी सब्ज़ियाँ उबल चुकी हैं और अब मैं इन्हें छान कर फिर इन्हें छौंका लगाऊँगी। हिंगराज शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज, ये हुई ना बात। तो हमारे इस हींगराज के प्रमोशन के बाद अब बारी आती है हमारे जीरे की, सो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, और जीरा डालने के बाद ये गई हमारी हरी मिर्च और हमारा लहसुन। लहसुन के बाद बारी आती है हमारी प्याज की, सो मैंने इसमें डाली अपनी प्याज, और इस प्याज को थोड़ी देर भूनने देंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो इस प्याज में मैं डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर, मैं डालेंगे थोड़े से ज़्यादा हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि हल्दी हमारी जले ना, तो फ्लेम थोड़ी सी लो ही रखेंगे। तो ये सब्ज़ी यहाँ पे पक रही है, और इसमें मैंने हल्दी के बाद डाला है नमक, करी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और अब इसे पकने देंगे। तो साथ में मैंने बनाया था एक बेगल, उसकी रेसिपी मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। नाश्ता करने के बाद मैं थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर टीवी देखने लग गई, और मैंने बहुत ही प्यारी सी मूवी देखी है, और इसके बाद कुछ तो प्लान है। मैं तो फाइनली मैंने हिम्मत करके इस भरी दोपहरी में बाहर जाने का कुछ प्लान बनाया है। सबसे पहले मुझे जाना है लाइब्रेरी, अपना लाइब्रेरी का कार्ड बनवाना है, बुक इशू करनी है कुछ, और इसके बाद मुझे वॉलमार्ट में कुछ काम है, और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो फटाफट मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ। मैंने कैब भी बुला रही है, तो कैब आने वाली होगी। सो या सो मेरे साथ यहाँ पे एक बीटी हो चुकी है, कैब कैंसिल हो गई है, और मैं यहाँ पे धूप में खड़े होकर बस का वेट कर रही हूँ, जिसका कोई भी नामो निशान नहीं है, पता नहीं कब आएगी बस। फाइनली ये बस आ गई है, मैं फिर से एक बार इस वीरान बस में सफ़र करती हुई। अब मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी हूँ, और अब मैं अंदर जाके कार्ड बनवाऊंगी अपना लाइब्रेरी का, और 2-4 बुक जो मेरे को पढ़नी है वो इशू करूँगी। सो या सो मुझे वॉलमार्ट में जो काम था वो भी मैंने कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ वापस घर। तो ये है कुछ बुक्स जो मैंने इशू कर दिया, अरे मेरे घर जाके पढ़ो। 13, 14, or 15, something like that. तो शाम को मैं अपनी लैंड लेडी के साथ थोड़ी देर पार्क में वॉक करने निकली, और हमने बस पार्क के 2-3 चक्कर काटे, और सामने कुछ बच्चे वहाँ पे लेमनेड स्टैंड पे लेमनेड बेच रहे हैं, सो हमने सोचा जाके कुछ लेमनेड पीते हैं, और बच्चों के भी कुछ पैसे बन जाएंगे। थैंक यू। सो अभी यहाँ पे रात के 9:30 बज चुके हैं, मुझे सुबह काम पे जल्दी जाना है, सो मैं फटाफट अपना मुंह धोऊंगी और थोड़ा अपने चेहरे को क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं सोने जाऊंगी। सो फेस वॉश करने के बाद अब बारी आती है फेस मास्क लगाने की,
सब मैं शीट मास्क लगा रही हूँ अपने चेहरे पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है. ट्राई इट, रियली गुड. तो जब तक मेरा मास्क सूख रहा है, मैंने सोचा लाइब्रेरी से जो बुक लेकर आई थी उसे पढ़ लेती हूँ. सो 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अपना मास्क उतार रही हूँ और इसके बाद मैं लगा रही हूँ ये रेटिनॉल के कैप्सूल्स, जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं. मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. उसके बाद बारी आती है आई क्रीम की. सो मैं आई क्रीम लगा रही हूँ अपने आँखों के नीचे. सो मैं चली सोने और मैं आपको मिलूंगी अब इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो एवरीवन टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, गुड नाइट.